नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उन्हें देख रहे हैं हम लोग। तो अभी तक हम लोग 11 टेस्ट लगा चुके हैं, वो आपके 11 ही टेस्ट हैं आपके जनरल स्टडीज टेस्ट के नाम से, जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डले हुए हैं। ये आपका 12वां है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है पहला क्वेश्चन? निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला कथन है इसमें, जैव आवर्धन में खाद्य श्रृंखला में पर्यावरण से पृथम श्रेणी के जीवों में विदूषकों की सांद्रता बढ़ जाती है। गलत है। जैव संचयन में खाद्य श्रृंखला की एक कड़ी से दूसरी कड़ी में विदूषक की सांद्रता बढ़ जाती है। ये भी आपका गलत है, यानी कि आपके दोनों कथन गलत हैं। ठीक, सही क्या है? जैव आवर्धन से अभिप्राय है उस प्रवृत्ति से है जिसमें प्रदूषक जैसे जैसे एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पर जाते हैं वैसे वैसे उनका सांद्रण बढ़ता जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जैव आवर्धन में आहार श्रृंखला की एक कड़ी से अगली कड़ी में प्रदूषण का सांद्रता बढ़ती है। ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन। फिर हमारा दूसरा कथन है, जैव संचयन यह दर्शाता है कि किस प्रकार रासायनिक जीवधारियों में संघित होते हैं। जैव संचयन तब होता है जब जीवधारियों द्वारा उपापचय या उत्सर्जन द्वारा विदूषकों के निष्कासन की दर उनके अंतर्ग्रहण और संग्रहण की दर से कम होती है। विदूषण की जैविक अर्ध आयु जितनी अधिक होगी उसके स्थायी रूप से विषाक्त हो जाने का खतरा भी उतना ही अधिक होगा। फिर चाहे पर्यावरणीय स्तर पर उसकी विषाक्तता कम ही क्यों ना हो, जैव संचयन में खाद्य श्रृंखला के प्रथम स्तर के जीवधारियों में पर्यावरण से प्राप्त विदूषकों की सांद्रता बढ़ जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें क्या था? डी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन है दूसरा, निम्नलिखित प्रदूषकों में से कौन से ऑटोमोबाइल द्वारा उत्सर्जित होते हैं? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, चारों। कौन से? दो, तीन, चार, पांच। ये तीनों चारों होते हैं और ओजोन नहीं होता है। ठीक है, ओजोन आपका है जो ओजोन को सीधे हवा में उत्सर्जित नहीं किया जाता, यह वायुमंडल में तब उत्पन्न होती है जब हाइड्रोकार्बन गैस नाइट्रोजन ऑक्साइड यौगिक के साथ सूर्य के विकास की उपस्थिति में संयोजित होता है। ठीक है, इसमें कौन सा था? दो, तीन, चार, पांच। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका तीसरा, निम्नलिखित में से कौन निकेत पद की सबसे सटीक व्याख्या करता है? तो इसमें होगा आपका, एक पारिस्थितिकी तंत्र में किसी प्रजाति की विशिष्ट कार्यात्मक भूमिका या स्थान। बी ऑप्शन राइट है। ठीक, क्वेश्चन है आपका अगला है क्वेश्चन चार, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं? ऊर्जा, छोटे उपभोक्ता, वातावरण, अक्षांश और ऊंचाई। चारों सही है इसमें। तो इसमें क्या होगा? डी ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, चार का आपका डी है। क्वेश्चन है आपका पांच, मैथेनॉल को वैकल्पिक ईंधन के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है यह। ठीक है, क्या पूछा है? सही नहीं है। तो आपका पांच, इसका उत्पादन प्राकृतिक गैस से किया जा सकता है। सही है, इसे एथेनॉल और गैसोलीन के साथ मिश्रित किया जा सकता है। ये भी सही है, यह पानी में घुलनशील नहीं है। ये गलत है, यह बायोडिग्रेडेबल है। डी ऑप्शन भी सही है। ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन आपका है छठवा, स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा है?
सही नहीं है। स्थायी कार्बनिक विदूषक लंबे समय तक अक्षुण रहते हैं, सही है। स्थायी कार्बनिक विदूषक मनुष्यों और पशुओं दोनों के लिए विषाक्त होते हैं, ये भी है सही। स्थायी कार्बनिक विदूषक पानी में घुलनशील होते हैं और खाद्य श्रृंखला में उच्च स्तर पर उच्च सांद्रता पर पाए जाते हैं, ये गलत है आपका, ठीक है। स्थायी कार्बनिक विदूषक पर स्टॉकहोम अभी समय ने स्थायी कार्बनिक विदूषक तीन वर्गों में बांटा है, अर्थात कीटनाशक, औद्योगिक रासायनिक, उत्पाद उपउत्पाद, ठीक है। छठवें का आपका सी था। क्वेश्चन है आपका 7, निम्नलिखित में से कौन सा घटक बेहद पोषक तत्वों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा घटक बेहद पोषक तत्वों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये आपका सल्फर, क्या है? सल्फर, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 8, क्वेश्चन कौन सा 8, उच्च स्तरीय जीवन शैली में पानी की अत्यधिक मांग होती है, जल प्रदूषण बढ़ने के साथ साथ यह आवश्यक हो जाता है कि उपभोग के लिए जल स्रोत से जल निकालने से पूर्व उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। बीओडी ऐसा ही एक उपाय है। बीओडी का तात्पर्य क्या है? तो याद रखना, जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग, क्या है? ए ऑप्शन सही है 8 का। क्वेश्चन है आपका 9, क्या है 9 है क्वेश्चन? क्वेश्चन है 9, पीने भोजन पकाने और खाद्य फसलों की सिंचाई के लिए प्रयुक्त आर्सेनिक युक्त जल जन स्वास्थ्य के समक्ष सबसे बड़ा खतरा बन गया है। आर्सेनिक के नियमित संपर्क से होता है, कौन सा रोग होता है? तो इसमें याद रखिए, ब्लैक फुट डिजीज होती है, ब्लैक फुट रोग होता है। 9 का क्या होगा? ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 10, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? तो याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 नहीं है, ठीक है। 10 का क्या होगा? ए 10 का ए है, ठीक है। पेरोक्सी एसाइल ए नाइट्रेट ए है, ओजोन है, एल्डिहाइड है, लेकिन CO2 नहीं है। क्वेश्चन आपका 11 है, प्रोजेक्ट टाइगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। प्रोजेक्ट टाइगर एक केंद्र प्रायोजित योजना है, सही है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण देश पर बाघों सह पर भक्षियों के शिकार तथा आवास की स्थिति पर का 4 वर्षों में एक बार आकलन करता है, ये भी सही है। इसमें सी होगा, 11 का आपका सी है, ठीक है। अब है आपका 12 क्वेश्चन, क्वेश्चन है 12, फिलाई एस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ईंधन के रूप में चूर्णित कोयले का प्रयोग करने वाले ताप विद्युत केंद्र उत्पाद के रूप में बड़ी मात्रा में फिलाई एस उत्पन्न करते हैं, सही है। फिलाई एस अपने सुरक्षित निस्तारण के संबंध में गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करती हैं, ये भी सही है। खुली खदानों के पेस्ट भरण और बंजर भूमि के सुधार की दृष्टि से फिलाई एस के भौतिक गुणों का कोई महत्व नहीं है, ये गलत है। इसमें क्या होगा? आपका 1 कथन सही है और 2 कथन सही है, तीसरा गलत है। तीसरे में सही क्या होगा? भौतिक तथा रासायनिक उत्प्रेरण के बाद फिलाई एस का अवशोषण क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। फिलाई एस के भौतिक गुण खुले खदानों के पेस्ट भरण और बंजर भूमि के सुधार में बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें था 12 का ए था, 1 और 2 कथन आपका सही था। क्वेश्चन है आपका 13, ईंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। जैव ईंधन विशिष्ट प्रकार के जीवाश्म में, गलत है। वे ऊर्जा वाहक होते हैं जो कार्बनिक पदार्थों जिनमें पादप पदार्थों और जंतु अपशिष्ट भी शामिल होते हैं से प्राप्त ऊर्जा को संग्रहित करते हैं, सही है। वे ईंधन वाली लकड़ी, चारकोल, लकड़ी के टुकड़ों की तरह, ठोस एथेनॉल, बायोडीजल, ताप अपघटन तेल की भांति, तरल या फिर बायोगैस की तरह गैसीय भी हो सकते हैं, ये भी सही है।
पहली पीढ़ी के जैव ईंधन का उत्पादन वर्तमान में खाद्य फसलों जैसे गन्ना और श्वेत सरसों से होता है। ये भी आपका सही है। तो इसमें 2, 3 और 4 कथन आपके सही है। जैव फर्स्ट क्यों गलत है, इसमें सही होगा जैव ईंधन गैर जीवाश्म ईंधन है। जैव ईंधन को नवीकरणीय ऊर्जा भी कहा जा सकता है क्योंकि ये रूपांतरित सौर ऊर्जा का रूप है। तो इसमें आपका 2, 3, 4 कथन सही था, यानी कि बी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है आपका 14। जैव उपचारों के निम्नलिखित प्रकारों और उनके उपयोग की सर्वाधिक सामान्य विधियों पर विचार करना है आपको। तो इसमें पहला है फाइटो रेमेडिएशन, संदूषकों को हटाने के लिए पादपों का उपयोग सही है। बायोलीचिंग, जल से धातुओं को हटाने के लिए पादपों का उपयोग, ये गलत है। इसमें केवल आपका एक कथन सही है। दूसरा क्या है, बायोलीचिंग में सही क्या होगा, इसमें होगा बायोलीचिंग या जैव निक्षारण, जीवित जीवों के प्रयोग द्वारा मृदा से धातु हटाना। कुछ विशेष प्रकार के जीव भारी धातुओं तथा अन्य संदूषकों को अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं, याद रखना। 14 का ए था। क्वेश्चन है 15। निम्नलिखित संगठनों में से कौन से पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी करते हैं। तो यह आपका विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से विश्वविद्यालय और कोलंबिया एल विश्वविद्यालय और आपका है कोलंबिया विश्वविद्यालय। ए ऑप्शन सही होगा 15 का, ठीक है। क्वेश्चन है आपका अगला 16। क्या होगा 16 में, क्वेश्चन है 16। तापीय प्रदूषण हमारे आधुनिक समाज में एक वास्तविक और स्थायी समस्या है। तापीय प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। इसमें सही क्या है, तापीय प्रदूषण न केवल गर्म जल के कारण से बल्कि ठंडे जल से भी होता है, जिसे विभिन्न उद्योगों द्वारा गर्म पानी से युक्त नदियों या समुद्रों में छोड़ दिया जाता है। सही है, तापीय प्रदूषण जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता को बढ़ा देता है जिससे जलीय जीवों की उपापचय प्रक्रिया प्रभावित होती है। ये आपका गलत है। दूसरा कथन बी आपका गलत है। गर्म जल की वजह से पौधों की असमान वृद्धि और शैवाल का विस्तार होता है। जल में शैवाल का विस्तार जल में ऑक्सीजन के स्तर को कम कर देता है। ये सही है, जल के तापमान में वृद्धि से कुछ जलीय जंतुओं की चयापचय प्रक्रिया तेज हो जाती है, इसलिए वे कम समय में अधिक भोजन ग्रहण करना प्रारंभ कर देते हैं। ये भी सही है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन होगा, ठीक है, 16 का बी है। क्वेश्चन है 17। जैव आवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो इसमें इसका तात्पर्य पोषण खाद्य श्रृंखला के स्तर पर घूमते गैर आक्रमणीय रसायन पदार्थों प्रदूषकों से है। सही है, DDT के उपयोग को जैव आवर्धन के परिणाम के रूप के लिए जाना जाता है। ये भी सही है, यानी कि आपका सी ऑप्शन होगा। 17 का क्या होगा, सी। क्वेश्चन है आपका 18। क्या है 18, 18 बेस्ट टू एनर्जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। बेस्ट टू एनर्जी, जिसे व्यापक तौर पर इसे संक्षिप्त रूप WTE के नाम से भी जाना जाता है, अपशिष्ट से ऊष्मा या विद्युत के रूप में ऊर्जा का उत्पादन है। सही है, दहन पायरोलाइजेशन गैसीकरण या अवायवीय पाचन के माध्यम से विद्युत ऊष्मा अथवा ईंधन के रूप में उत्पादित ऊर्जा स्वच्छ और नवीकरणीय होती है। ये भी सही है। तीसरा है कचरे से ऊर्जा उत्पादन केवल दहन क्रिया द्वारा किया जाता है, ये गलत है। आपका इसमें 1 और 2 कथन सही है। तीसरा गलत क्यों है, तीसरे में सही होगा आपका क्या होगा, कचरे से ऊर्जा उत्पादन की एक अन्य प्रक्रिया है जिसका प्रयोग मुख्यतः औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है। ताप अपघटन प्रक्रिया सजल ताप अपघटन के ही समान है, केवल इसमें ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं होता है। ताप अपघटन कृषि अपघटनों अपशिष्टों या उद्योगों से निकलने वाले कार्बनिक अवशिष्टों का प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। इसमें आपके 1 और 2 कथन सही थे। क्वेश्चन है आपका 19। क्या है 19,
निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन पहचानना है आपको। एक ईंधन सेल दहन के साथ रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत उत्पादन करता है, ये गलत है आपका। यह एक विद्युत रासायनिक ऊर्जा रूपांतरण यंत्र है जो ऊर्जा जल और ऊष्मा उत्पन्न करता है, ये सही है। ईंधन सेल बहुत कुछ बैटरी की तरह कार्य करता है, अंतर सिर्फ इतना है कि इन्हें विद्युत रिचार्जिंग की आवश्यकता नहीं होती है, ये सही है। तो इसमें आपका क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, 19 का ए है। क्वेश्चन 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुपोषण शब्द की सही व्याख्या करता है। वह प्रक्रिया जब कोई जल निकाय खनिजों और पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाता है तो यह शैवाल और पादपों के अत्यधिक विकास को प्रेरित करता है, सी ऑप्शन सही होगा, 20 का सी होगा। क्वेश्चन है आपका 21, क्या है 21, भूतापीय ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इससे किसी भी हरित गृह गैस का उत्सर्जन नहीं होता है, गलत है। विद्युत आपूर्ति में भूतापीय ऊर्जा की दृष्टि से सबसे बड़ा योगदान करता आइसलैंड है, सही है। मौसम से स्वतंत्र होने के कारण यह पवन ऊर्जा से अधिक लाभकारी है, ये भी सही है। इसमें आपका कथन 2 और कथन 3 सही है। पहला कथन में सही क्या होगा, पर्यावरण की अनुकूल प्रकृति, इसमें सल्फर CO2 और अन्य ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होता है, ठीक है याद रखना। तो इसमें क्या होगा, 2 और 3 कथन सही होगा, यानी कि 21 का सी होगा। क्वेश्चन है आपका 22, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मधुमक्खियों के छत्रों में कीटनाशक विषाक्तता है, सही है। अधिवास में परिवर्तन या वैश्विक तापन के प्रभाव से इसे एक व्यापक परिघटना बना दिया। उपयुक्त में से कौन से कोलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर के कारण है, तो दोनों, ठीक है, एक भी और दो भी। इसमें क्या होगा आपका, 22 में सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका अगला होगा 23, क्वेश्चन है 23, अटल बीमा बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा शुरू किया गया है, ये आपका गलत है। इसमें अल्पकालिक बेरोजगार व्यक्तियों जो कि नए रोजगार की तलाश में हों को नगद सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, ये सही है। इसमें कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत शामिल बीमाकृत व्यक्तियों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने, किसने, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का शुभारंभ किया है, याद रखिए। अल्पकालीन बेरोजगार की परिस्थिति में नई नौकरी खोजने के दौरान अल्पकालिक बेरोजगार सीधे अपने बैंक खाते में नगद राशि प्राप्त करेंगे। अल्पकालिक बेरोजगार व्यक्तियों को दिया गया नगद लाभ उनके 90 दिन की औसत कमाई का 25% होगा, ठीक है याद रखना। इसमें केवल 2 सही था। क्वेश्चन क्या है 24, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है, क्या करना है विचार, सही कौन है इनमें, अंतरिक्ष यान है, स्पेसक्राफ्ट और ये देश हैं, TES जर्मनी, ये गलत है, हायाबूसा सेकंड, ये सही है आपका, और तीसरा है माओवेन संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी सही है, होप इजराइल, ये भी गलत है। तो इसमें क्या है, 2 और 3 कथन सही है और 1 और 4 गलत है। जो आपका TES है, नासा का उपग्रह है, TES जो है आपका, ये नासा का है जो हमारे सौर मंडल के बाहरी ग्रहों की खोज करेगा, ठीक है याद रखिए। और जो होप है, ये होप मार्स मिशन या एमिरेट्स मार्स मिशन मंगल ग्रह के लिए एक अंतरिक्ष अन्वेषण प्रोब मिशन है जिसे वर्ष 2020 में संयुक्त अरब अमीरात, याद रखना, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या था, 2 और 3 यानी कि बी ऑप्शन था, 14 का बी था। क्वेश्चन है 15, क्या है, साइक्लोन 30
थैटी नामक एक साइक्लोन की परिचालन शुरू हुआ। साइक्लोन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो याद रखिए, रेडियो आइसोटोप के उत्पादन हेतु। इसमें क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा, 25 का बी है। ठीक है, तो ये थे आपके 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। ठीक है।